अस्सलाम वालेकुम, एक्सलेंट टीवी के साथ मैं हूं किंजा तौसीफ। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महंगाई के इस दौर में लोग ठेलों और रेहड़ियों से खाना खाने पर मजबूर। इंडिया की यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, लाहौर की बिरयानी या कराची की बिरयानी। सर्दियों में गैस 24 घंटे मिलने की कोई गारंटी नहीं। खाने पीने के ठेलों पर सफाई का निजाम नाकिस। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई के इस दौर में लोग पेट की आग बुझाने के लिए इन ठेलों का रुख करते हैं, जहां सफाई का निज़ाम इंतहाई नाकिस होने की वजह से तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो आला दुकानों के साथ साथ इन ठेलों पर भी नज़रसानी करें, ताकि लोग तरह तरह की बीमारियों से बच सकें। भाई जी, महंगाई का तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है, हर बंदे को पता है कि महंगाई तो डबल ट्रिपल हो गई है, और यहाँ तक इतनी ज़्यादा महंगाई होगी कि बंदे और रेस्टोरेंट पे खाना खाने के बजाय ठेलों पे बेचारे खाना खा रहे हैं। भाई महंगाई इतनी होगी कि हम क्या करें, कहीं बड़ी जगह शॉप पे जा नहीं सकते हैं, ये छोटे मोटे ठेलों पे जाके हम खा सकते हैं। महंगाई ने बहुत बुरा हाल किया हुआ, इसलिए हमें मजबूरी के तहत यहाँ से खाना पड़ा। यहाँ पे अब देख ले, मार्केट में आ गए, ठेलों पे ढाबों पे खाना खाना पड़ रहा है। पहले जब पीटीआई गवर्नमेंट नहीं थी तो नून लीग गवर्नमेंट स्कूल से जाते थे, 5-स्टार होटल में खाना खाते थे। इंडिया की यूनिवर्सिटी या पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी, तालीम कहाँ की ज़्यादा बेहतर है? आइए जानते हैं इस हवाले से तलबा का क्या कहना है। तालीम हासिल करना हर इंसान पर फ़र्ज है, जबकि आला तालीम के बग़ैर इंसान का अब गुजारा नहीं। इसी तालीम को हासिल करने के लिए हर मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ कायम की जाती हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 188 आला तालीम के इदारे मौजूद हैं, जबकि इंडिया में आला तालीम के इदारों की तादाद 1000 से ज़्यादा है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी अच्छी हैं या इंडियन? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान की अच्छी हैं। वजह वजह यह है कि यहाँ पे एक इस्लामिक माहौल होता है, मूड थोड़ा सा अच्छा होता है, ये वो, लेकिन मज़ा आता है पढ़ने में भी, आने जाने में भी मज़ा आता है। मेरे ख्याल से ना बाहर की यूनिवर्सिटियाँ अच्छी होती हैं। बाहर में आई मीन इंडिया की बात हो रही है। इंडिया मुल्क से बाहर है, कौन सा ये साथ बाहर दीवार है? हमारी उनके साथ लगती भी तो बहुत है ना। वो लगेगी तो मज़ा आएगा ना वहाँ पे जाके पढ़ने का। अच्छा, मतलब आप कहते हैं किसी के घर में जाके पढ़ो ना तो ज़रा पता लगता है पढ़ने आया बच्चा है, यहाँ पे तो पढ़ ही लेते हैं। ये बात तो है, नाइस बात है साहब की। यार ज़ाहरी बात है, अब इस मुल्क में हूँ रहना मत, ऐसे तो नहीं ना करना चाहिए। हमारे अपने मुल्क की यूनिवर्सिटियाँ अच्छी हैं तो ये तो कोई शक नहीं है। सुपीरियर, बिगर, बोल्डर, सुपीरियर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान की, तो ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नाम रोशन हम करेंगे इसका। और यूनिवर्सिटी कहीं की भी हो, हमारा मकसद तालीम हासिल करना। कैमरामैन तला सजाद के साथ शुएब कोकर, एक्सलेंट टीवी लाहौर। आपको कौन सी बिरयानी पसंद है, लाहौर की या कराची की? आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदा शुएब कोकर की इस रिपोर्ट में। बिरयानी सिर्फ एक आम खाना नहीं है, बल्कि इसमें लोगों के जज्बात बसते हैं। बिरयानी पाकिस्तानियों के पसंदीदा होने की बहुत सी वजूहात हैं, जहां लाहौर के शहरी इसे अपने शहर से मुंसलिक करते हैं, जबकि कराची के लोग कहते हैं ये पकवान हमारे शहर की जान है। बिरयानी कहीं की भी बेहतर हो, लेकिन लाहौर और कराची हमेशा मौजू बहस रहेंगे। बिरयानी यार लाहौर की भी अच्छी है, लेकिन ज़्यादा अच्छी कराची की लगती है। वैसे मैं लाहौर का रहने वाली हूँ, लेकिन बिरयानी मुझे कराची की पसंद है। आप कभी कराची गए हैं? गया नहीं हूँ। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि बिरयानी आपने कैसे खाई है, क्योंकि जो मेरी खाला हैं वो कराची में होती हैं, तो वो जब यहाँ पे आते तो मैं उनसे फरमाइश करके बनवाता हूँ कि आपने कराची वाली बिरयानी बनानी है। लाहौर की बिरयानी अच्छी लगती है या कराची की? लाहौर की ठीक है। वजह क्या? वजह कराची खाई नहीं है। कभी कराची नहीं गई? नहीं। अच्छा, लाहौर की बिरयानी अच्छी लगती है कराची की? यार लाहौर की, जारी से लाहौर की बिरयानी नहीं, पुलाव वगैरह होते हैं ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप कराची गए हैं कभी? हाँ, एक दफ़ा हुआ था। तो वहाँ से नहीं खाई? खाई थी, टेस्ट अच्छा नहीं लगा। फिश बिरयानी भी खाई थी, फिश बिरयानी अच्छी थी, लेकिन यार पुलाव का मुकाबला नहीं है। लाहौर की बिरयानी पसंद है और किसी को कराची की। कैमरामैन तला सजाद के साथ शुएब खोकर, एक्सलेंट टीवी लाहौर। सर्दियों में गैस 3 बार ही मिलेगी, जो सुबह, दोपहर और रात के खाने के वक्त ही मैसर होगी। सनत अजलास में हुकूमती अपोजिशन बेंचर्स में दिलचस्प डीलिंग। ज़राए के मुताबिक वजारत पेट्रोलियम गैस कंपनी का शेड्यूल जारी हो गया, जहां 24 घंटे में सिर्फ 4.5 घंटे ही गैस मिलेगी।
महंगाई से बेहाल अवाम अब गैस बहरान से परेशान। ठंड बढ़ते ही घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए। देहात में लकड़ियों का दौर लौट आया। शहरी महंगी तरीन LPG खरीदने पर मजबूर हैं। हुकूमत मसले के हल के लिए इकदाम करे। जिते 500 बिल आना ही उसे 2000 आते। टाइम 6 तो मैं 8 बजे जाती आँगी फिर शाम मगर टाइम से जाती। पानी का मसला था, बिजली का था, बिजली नहीं होता, पानी नहीं आता, परेशानी हो गया, बिजली वाला परेशानी हो गया, पानी वाले का, अभी तीसरा मसला ये गैस वाला आ गया। अभी जो 24 घंटे परेशानी हो गया। अल्लाह पाक रहम कराए। गैस में हमारे एरिया में चनारबाग में तो गैस बिल्कुल मुहैया नहीं अभी तक हुई। जो गैस है सिलेंडर वो हम वीकली तकरीबन 2600 रुपये का एक भराना पड़ता है। हर दफ़ा रेट बढ़ रहे हैं। ये थी आज की टॉप स्टोरी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें एक्सलेंट TV।